लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज प्लैनेट समाचार ग्रह को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, समाचार ग्रह में आपका स्वागत है। शहर में थाना क्षेत्र की बदहाल सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर में थाना क्षेत्र की बदहाल सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। बजट के अभाव में मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों को गड़ा मुक्त करने का आदेश भी बेअसर है। शहर के थाना क्षेत्र की अधिकांश सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ कई वर्षों से लोग जर्जर सड़क पर ही आवागमन करते हैं। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों लोगों व थाने में उच्च अधिकारियों का आवागमन रहता है। युवाओं ने इस रोड को बनवाने की मांग की है। नूरपुर से गुलफाम राजा की रिपोर्ट। निगरानी नूरपुर से ताल्लुक रखता हूँ। आज जो युवा लड़के आप यहाँ पे आए हो, क्या मकसद है आप लोगों का? हमारा मकसद ये है कि हमारा जो नूरपुर में थाना वाला रोड है, ये रोड सबसे ख़राब रोड है नूरपुर की, और हमारे सांसद और हमारे एमएलए और हमारी नगर पालिका का कोई भी आदमी इस रोड को नहीं देख पा रहा है। यहाँ पर इस रोड पर, थाने वाले रोड पर शहीद परवीन स्थल भी है, थाना भी है और सरकारी स्कूल भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी आला सांसदों से, विधायकों से, नगर पालिका से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द इस रोड पर काम कराएं। आपने इससे पहले किसी आला अधिकारी के यहाँ कोई इसकी शिकायत की कि हाँ, इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब से की थी कि इस रोड को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि इस रोड पर आला दर्जे के अधिकारी लोग आते हैं, एसडीएम साहब, डीएम साहब, और यहाँ पर थाना भी है, पुलिस महकमे के लोग इधर उधर जाते रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ योगी जी का कहना है कि खड्डा मुक्त हो ये, तो या तो खड्डा मुक्त हुआ ही नहीं है अभी तक, फिर इसलिए आप लोगों को ये करना पड़ा सर? हाँ बिल्कुल करना पड़ा था। आपको कहना है कि सरकार ने ये कहा था कि रोड, जितने भी रोड होते हैं सब गड्ढा मुक्त कराएंगे, मगर हमारे नूरपुर में थाना रोड पर अभी कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और नहीं कोई गड्ढे भरे हुए हैं। आगे हमने देखे हैं कि कितने गड्ढे हुए पड़े हैं। अजय, आपने चेयरमैन से शिकायत की? मैं तो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मैसेज सांसद तक भी जाए, विधायक तक भी जाए, चेयरमैन साहब तक भी जाए। इनसे भी अब इनके एक का नाम क्या? नसीम अहमद। हाँ, ये क्या है जो आप लोग आज खड़े हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मैं देखता हूँ रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं इसमें। हमने यहाँ तक टू व्हीलर के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, फोर व्हीलर की भी बहुत दिक्कत होती है इधर जाने। और अभी 4-5 दिन पहले असलम नाम के व्यक्ति के खड्डे ये वाली बात करें। हाँ, असलम जो है, मैं जब मैं कहूँ उनके व्यक्ति यहाँ पर गिरे थे खड्डे की वजह से, समझे, उनका फौरन ही डेथ हो गई थी यहीं पर, साइकिल से गिरे, वो साइकिल से जा रहे थे, हमने सिर्फ खड्डे की वजह से वो साइकिल गिरी और उनके दिमाग में चोट लगी है, फौरन ही डेथ हो गई थी। नौजवानों का यहाँ एक साथ एकत्र होना, इसका क्या संदेश है? इसका संदेश, हम लोग तो युवा लड़के हैं जितने भी हम सब हैं, हम लोगों से बस इतना गुजारिश करते हैं इस सरकार से कि जितने भी गड्ढे रोडों में हैं, प्लीज़ इन लोग को जल्दी से जल्द सर सही करवाइए, यही हम लोग का कहना है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे निकलते पड़ते हैं, मैं भी खुद गाड़ी से भी आ रहा था इसके लिए, मैं खुद गिरने से बचा भी गड्ढे में से, और हालांकि अभी कुछ समय पहले भी एक मौत हुई है जो असलम बकर के नाम से दबाए, वो गड्ढे की वजह से ही मौत हुई है। कृपया आप लोग से गुजारिश है जल्द से जल्द ये चीज़ सही कराइए आप गड्ढे।